गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? कैन स्टार्ट प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स. आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई. मैंने आपको एक मैसेज किया है, मैसेज मिला है क्या? आई होप आपको मैसेज मिला होगा, प्लीज रिप्लाई. यस, ये हाँ, ट्राई टू बी अ बेस्ट बायर, मतलब बेस्ट बाइंग प्राइस पे रख दो. बिड एंड आस्क के बीच में गैप है तो थोड़ा सा बाइंग प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर लो, या फिर मार्केट प्राइस पे लोगे तो भी चलेगा. ठीक है, यस, ये स्टॉक मैंने दिया हुआ है, मैसेज चेक कर लो. हाँ, व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लो. यस, ठीक है. मिस्टर दिव्यनिवार, बिंदास बाय करो इसमें, मतलब ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, चेक कर लो मेरा मैसेज. ये टेक्निकल एनालिसिस कॉल वगैरह वैसा नहीं है मिस्टर दिव्यनिवार. मैंने मैसेज किया हुआ है. यस, हाँ हाँ जैसे वाक्सन दिया था ना पहले वैसा है. यस, जैसे वाक्सन दिया था ना वैसा है, करेक्ट. मार्केट तो अभी साइडवेज लग रहा है मुझे, रेंजबाउंड लग रहा है. सी हियर, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा पैसा आया होगा. एसबीआई मैंने आपको बोला था मॉर्निंग में हीरो रहेगा, यस और नो? आज का हीरो एसबीआई है, ये वर्ड यूज किया था मैंने, प्लीज रिप्लाई. सबको याद होगा एसबीआई और बैंक निफ्टी. निफ्टी भी मैंने आपको 17200 के आसपास 190 का लेवल दिया था, याद है? 17190, 17200. निफ्टी भी फिर बोल दिया था कि यहां से बुलिश हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई, यस और नो? सबको याद है ना मॉर्निंग वाला वेबिनार? यस. बैंक निफ्टी का एमटीएम बता दो मुझे, व्हाट इज द एमटीएम? बैंक निफ्टी में एमटीएम बता दो मुझे. ठीक है, 9K+, ठीक है ठीक है, आने दो प्रॉफिट, आने दो थोड़ा, आने दो प्रॉफिट, आने दो. एक मिनट, इसमें काफी अच्छा पैसा आया, कोल इंडिया नहीं चला, कोटक ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी ऊपर आया. कोटक में तो वैसे भी कोई ट्रेड लिया भी नहीं था हम लोगों ने. निफ्टी थोड़ा सा मुझे रेंज बाउंड लग रहा है, साइडवेज लग रहा है, आवरली के हिसाब से इसी लेवल के आसपास एक बार लग रहा है, क्योंकि 17400 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है अभी, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है अभी 17400, इसी लेवल के आसपास टेस्ट हुआ है, यू कैन सी हियर. एंड ये काफी अच्छा सपोर्ट है 17100, 17000, ये जोन 100 पॉइंट का काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है. तो ओवरऑल ये रेंज में रहने वाला है मार्केट, मुझे लग रहा है ओवरऑल ये रेंज में रहेगा, 17000 से लेके 17400 से लेके 17100, 17400 से लेके 17100. कॉल सेल थोड़ा सा सेफ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मतलब मैनेज करना पड़ेगा कॉल सेल पुश, नेकेड कॉल सेल, यस, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश है, मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था 17200 के ऊपर सस्टेन कर रहा, मतलब ये निकल जाएगा ऊपर, तो 17500 थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है. यस, नेकेड कॉल सेल थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है. Just wait on the data.
नेकेड कॉल थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन मुझे कल आफ्टरनून तक, कल सुबह 11-12 बजे तक मार्केट साइडवेज लग रहा है, रेनबाउंड लग रहा है, कल सुबह 11-12 बजे तक इतना साइडवेज लग रहा है। यस, इतना मार्केट साइडवेज लग रहा है कल सुबह 11-12 बजे तक। उसके बाद वापस थोड़ा सा ये कर लेगा, ट्रेंड पकड़ेगा, लेकिन कल सुबह तक तो साइडवेज लग रहा है, रेनबाउंड लग रहा है। यस, हम लोग ऑप्शन राइटिंग ट्रेड लेके जा सकते हैं। मैं आपको मैसेज कर दूंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ, वेट ऑन मिनट। ठीक है, 15 ये आवरली चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एमएसडी भी प्लॉट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, डेली एमएसडी चेक करते हैं क्या आ रहा है डेली में। अभी भी क्या बात है, बाय क्रॉसओवर अलर्ट नहीं आया मिस्टर दिव्य नेवर, आपको अलर्ट आया नहीं क्या इसका, क्या अलर्ट लगाया नहीं आपने? ये देखो यहाँ पे मिस्टर दिव्य नेवर, अलर्ट आया होगा आपको, चेक कर लो। क्लोजिंग बेसिस अलर्ट है, हाँ बराबर। ठीक है, मतलब हो तो चुका है, अब प्राइजेस को खाली सस्टेन रहना, राइट? तो सस्टेन रहेगा तो हो जाएगा, फिर आपका वो 17,500 का कॉल रिस्की रहेगा, इट विल बी अ वेरी रिस्की ट्रेड। ठीक है, बहुत रिस्की ट्रेड रहेगा फिर वो। ठीक है, हाँ इंस्टाग्राम पे देख सकते हो आप, मेरा कुछ 70 के आसपास प्लस है मेरा। ठीक है मिस्टर देवेनिवार, समझ गए ना, लॉजिक समझ गए ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ रिस्की है, क्योंकि डेली पे एमएसडी बाई दे देगा फिर। हाँ, क्योंकि आप लॉजिक समझ गए ना, डेली पे बाई दे देगा फिर, वो प्रॉब्लम है, देखा ना आपने? यस, वो क्लोजिंग बेसिस पे फिर बाई दे देगा, ऐसा है। ट्रेडिंग व्यू तो मैं नहीं देखता, ट्रेडिंग व्यू ठीक है, ट्रेडिंग व्यू मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। ट्रेडिंग व्यू में अभी भी गैप है, ऐसा क्यों? लेकिन व्हाई? अच्छा, मॉडिफाइड आपका, आपके पास वो, अच्छा समझ गया समझ गया। ट्रेडिंग व्यू में चार पांच टाइप का एमएसडी है, वो मॉडिफाइड एमएसडी होगा तो नहीं दिखाएगा गैप, ऐसा भी है, बाय टेकर नहीं दिखाएगा, लेट दिखाएगा, वैसा भी होगा ना, मॉडिफाइड डिफॉल्ट सेटिंग चेंज किया होगा, समझ में आ रहा है? हाँ वैसा होगा तो फिर वो प्रॉब्लम है। मार्केट 17,300 के ऊपर बुलिश है सर, 17,300 के ऊपर निफ्टी बुलिश है। यस, 40,000 के ऊपर तो बैंक निफ्टी क्लियर बुलिश है सर, 40,000 क्रॉस किया तो। टॉप इज आरएसआई, मिडल इज एमएसडी, बॉटम इज स्टोकेस्टिक। ठीक है, आपका पिक ये भेजा मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन आपने कुछ मैसेज भेजा, शायद मिला नहीं है मुझे। देखो ना, निफ्टी सस्टेन कर रहा है, निफ्टी सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो मुझे तो थोड़ा सा यहाँ से तेजी लग रहा है। आई विल बी अ बायर, आई विल नॉट बी अ सेलर। बायर रहो, सेलर मत रहना इसमें, बस बायर रहना, सेलर मत रहना। बैंक निफ्टी में बायर रहो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, करेक्ट,
बैंक निफ्टी ने तो कल का हाई भी क्रॉस कर दिया है, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है। आवरली पे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों बाय आ चुका है। लास्ट 5 डेज में आवरली मूव हो जाता है, फिर उसका ऑपोजिट गैप अप गैप डाउन होता है। मिस्टर देवेनवार, अगर आप गैप अप गैप डाउन नोट डाउन कर रहे हो, इफ यू आर मार्किंग, अगर आप मार्क करते हो डेट गैप अप गैप डाउन, तो आपको याद होगा फ्राइडे को गैप अप था शायद, एंड मंडे को गैप डाउन हुआ, राइट? यस, आज गैप डाउन हुआ, फ्राइडे को गैप अप हुआ, तो फिर कल गैप अप गैप डाउन के चांसेस कम हो जाएंगे और फ्लैट ओपनिंग के ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फ्राइडे को गैप अप था, मंडे को गैप डाउन हुआ, ट्यूजडे को फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, करेक्ट? क्योंकि एवरी डे गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, एवरी डे गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइडवेज रन लग रहा है, मार्केट रेंज बाउंड लग रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल का, और साइडवेज लग रहा है, रेंज बाउंड लग रहा है। कल 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आफ्टरनून में ट्रेंड पकड़ेगा ये, बट एज ऑफ नाउ डेटा के हिसाब से भी साइडवेज लग रहा है, फ्लैट लग रहा है। डेटा देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखो इसीलिए मैंने स्ट्रैटल वगैरह करना चालू कर दिया मैंने। ये देखो ना, 17300 का किसी ने जोड़ी बेचा हुआ है, दिख रहा है उससे देने वाला, 17300 का किसी ने जोड़ी बेचा हुआ है, जोड़ी मतलब स्ट्रैटल बेचा हुआ है, यस, ठीक है, 17300 का किसी ने स्ट्रैटल बेचा हुआ है। ये देखो मार्केट वापस ट्राई कर रहा है 17300 के आसपास सस्टेन कर, इसी लेवल के आसपास सस्टेन करेगा लग रहा है। तीन बजे तक देखते हैं और स्टॉक्स में काम करते हैं। एक मिनट रुको, स्टॉक्स स्कैनिंग कर लेते हैं, एक मिनट रुको, स्टॉक्स स्कैनिंग कर लेते हैं जरा, एक सेकंड रुको। मुझे तो कोई ज्यादा स्टॉक्स में भी बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है। और रिलायंस पाया है, क्या बात है, रिलायंस पाया है, ओ हो, रिलायंस आवरली चार्ट पे बाय आया, 2420 के ऊपर रिलायंस बाय है, दिखा है, प्लीज रिप्लाई, रिलायंस बाय आया है, रिलायंस पे ध्यान दो। रिलायंस में एक मिनट रुकना, क्या बात है, एक मिनट रुको, स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेड आ रहा है इसमें, रिलायंस में स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेड है, यस, एक सेकंड, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ रिलायंस का, अगर किसी को ट्रेड लेना है ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, स्लाइटली रिस्की ट्रेड है, लेकिन लेना तो ले सकते। ठीक है, यस, मैंने मैसेज किया, देखो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है लेकिन चलेगा, वो स्प्रेड बना लो, अगर ये नहीं करना है, नेकेड नहीं करना है, तो स्प्रेड बना लो, वो भी चलेगा, यस, स्प्रेड बना लो तो भी चलेगा।
3 बजे के बाद और ऑप्शन राइटिंग होगा, थीटा डी के ज्यादा होगा 3 बजे बाद। यस थीटा डी के ज्यादा होगा 3 बजे बाद। यस टू 90 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। एसआरएफ बाय है क्या? एसआरएफ करंट लेवल पे बाइंग है। आंसर इज यस है, एसआरएफ बाय है। यस एसआरएफ भी बाइंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। फ्लैट है मार्केट, फ्लैट है, बोरिंग है। रिलायंस पे ध्यान दो, बस सिर्फ रिलायंस पे ध्यान दो। क्लोजिंग गैप अप लग रहा है क्या? गैप अप के लिए 17,320 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, 320 के ऊपर, 17,320 के आसपास कहीं पे क्लोज होगा तो गैप अप लगेगा, अदरवाइज गैप अप नहीं, फ्लैट ओपनिंग है। फ्लैट ओपनिंग का चांसेस ज्यादा लग रहा है सदीरज। हाँ डेली गैप अप गैप डाउन नहीं होता मार्केट में, फ्राइडे को गैप अप था, आज गैप डाउन हुआ, तो कल फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यस रिलायंस पे ध्यान देना, रिलायंस चल रहा है, रिलायंस में बाइंग चालू हुआ है, रिलायंस पे ध्यान दो, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान दो, इसमें बाइंग चालू हुआ है 2410, ये देखो इसमें बाइंग चालू हुआ है, ये चलेगा, रिलायंस पे ध्यान दो, रिलायंस चल सकता है, 100 रुपए का रैली आ सकता है रिलायंस में, बाजार भाव से 100 रुपए का रैली रिलायंस में आ सकता है, रिलायंस में बाइंग आया है नीचे के लेवल से। साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, एकदम एकदम रेंज बाउंड मार्केट है। मैंने आपको पहले ही बोला रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है, साइडवेज मार्केट लग रहा है, और पॉसिबल है कल हायर चांसेस है फ्लैट ओपनिंग हो जाए, वो भी पॉसिबल है। कल दोपहर में ट्रेंड पकड़ेगा, यस कल दोपहर में 11-12 बजे बाद ट्रेंड पकड़ेगा मेरे हिसाब से, कहीं भी ले लो चलेगा। मिस्टर हितेश पटेल एनएससी में ले लो चलेगा, एनएससी में ले लो, एनएससी में भी चलेगा। यस ये देखो ये रहा स्क्रीन पे लगाया हुआ है मैंने, ये रहा स्क्रीन पे लगाया हुआ है। यस स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये रहा दिख रहा है ना मिस्टर हितेश पटेल, ये रहा रिलायंस भी लगाया और ये भी लगाया दोनों, करेक्ट। यस ले लो, किसने किसने कितना क्वांटिटी लिया जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो मुझे, कितने लोगों ने, या व्हाट्सएप कर दो तो भी चलेगा। यस चैट बॉक्स में के बदले व्हाट्सएप कर दो तो भी चलेगा, व्हाट्सएप कर दो मुझे, व्हाट्सएप मैसेज कर दो तो भी चलेगा। हाँ और क्या प्राइस पे लिया वो भी मुझे बता देना है अप्रोक्सीमेटली। वन लॉट, लॉट थोड़ी ना है तेजस्वी पुजारी, लॉट थोड़ी ना, एनएससी कैश सेगमेंट है ये, लॉट नहीं है। अच्छा रिलायंस की बात कर रहे हो क्या? रिलायंस नहीं बोल रहा मैं, नहीं नहीं रिलायंस नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ, यस ये वाला स्टॉक बोल रहा हूँ।
हाँ जो मैंने मैसेज किया था ना, ये स्टॉक बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने लिया है मुझे क्वांटिटी और प्राइस व्हाट्सएप कर दो। ये देखो यहाँ पे प्राइस देख लो, अभी क्या हो गया प्राइस मिस्टर दिवेनिवार, प्राइस क्या हो गया इसका, क्या प्राइस हो गया इसका, यस और नो दिख रहा होगा ना, यस। अच्छा रिलायंस लिया है, ठीक है रिलायंस लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस, अपने को तो 2-3 दिन रखना है, 1 हफ्ता रखना है कम से कम। यस दो तीन दिन रखना है मिनिमम मिस्टर देवेनवार, 2-3 दिन रखना है। यस हाँ, उतना तक करेंगे, उसके ऊपर ही करेंगे ट्राई। रिलायंस में पैराबोल, यस चेंज हुआ है, यस ये देखो ना कहाँ पे गया पैराबोलिक सार, ये देखो ना मिस्टर मनीष जमरे दिखा, एंड मिस्टर मनीष जमरे अगर आपने ध्यान से देखा हो, देखो मैं आपको ये सब रिमूव करता हूँ, तो एकदम सिंपल मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इज इट फर्स्ट टाइम इट मेड अ हायर लो, यस और नो प्लीज रिप्लाई, फर्स्ट टाइम इट मेड अ हायर लो दिख रहा है, देखा पहली बार रिलायंस ने हायर लो बनाया, फर्स्ट टाइम। हाँ और आपको याद है पैटर्न, पैटर्न वाइज अगर आपको याद है तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये सब मैं रिमूव करता हूँ, ये कौन सा पैटर्न है एंड ये कौन सा पैटर्न है, मुझे पैटर्न वाइज बता दो। चलो विच इज दिस पैटर्न, ये पैटर्न कौन सा है एंड ये पैटर्न कौन सा है, कैन यू टेल मी, अगर आपको याद है पैटर्न वाइज मुझे बता दो तो भी चलेगा, याद है ना, ठीक है। नहीं, मॉर्निंग स्टार नहीं है, नो योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ मिस्टर रितेश पटेल, योर आंसर इज राइट करेक्ट, याद कर लो याद कर लो, मार्क करता हूँ मैं, वापस मार्क करता हूँ, चाहिए तो गलत आंसर मत दो मुझे, सिर्फ ये दो कैंडल देखो और मुझे बताओ क्या पैटर्न, सिर्फ ये दो कैंडल देखो और मुझे बताओ क्या पैटर्न है। हाँ समझ में आया करेक्ट, थीटा डीके होगा अभी मेरे हिसाब से, अभी चालू होगा थीटा डीके, क्लोजिंग में थीटा डीके चालू हो जाएगा, फ्लैट ओपनिंग ज्यादा लग रहा है मुझे, चांसेस फ्लैट ओपनिंग का चांस ज्यादा लग रहा है। देखो ना मार्केट लास्ट 1 घंटे से वहीं पे है, यस और नो, 1 घंटे से नहीं इनफैक्ट 1 बजे से मार्केट 17,300 के आसपास ही है, हैव यू ऑब्जर्व दिस, 1 बजे से मार्केट 17,300 के आसपास ही है, देखा ये, ऑब्जर्व किया प्लीज रिप्लाई, ऑब्जर्व किया ये करेक्ट। हेलो हाँ मुझे ये बता दो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप कर दो, कितना क्वांटिटी क्या लिया है, यस हाँ आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो प्रॉफिट, 40,500 तक लग रहा है बैंक निफ्टी, 40,500 तक बैंक निफ्टी लग रहा है, 4,500 तक वेनेसडे तक, यस वेनेसडे थर्सडे तक 40,500 तक लग रहा है बैंक निफ्टी, उतना जा सकता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या नहीं दिया मैसेज, मैसेज मिला होगा ना, यस और नो आरती पाटिल, मैसेज नहीं मिला,
एक मिनट रुको, मैसेज देता हूँ मैं। हाँ मैसेज मिला होगा, चेक कर लो जरा। क्यों नहीं मिला वैसे, देख सको। देखो मैंने मैसेज किया, देखो मैसेज मिला। ठीक वेरी सत्रह 310 उसी के आसपास है। यस आईसीएल और टारगेट मैंने उसमें लिखा है, देखो मैसेज रीड करो, उसमें क्या लिखा है टारगेट, आईसीएल कितना लिखा है टारगेट लिखा है ना, टारगेट लिखा है उसमें मैंने। प्लीज रिप्लाई। 17,300 के आसपास ही मार्केट चल रहा है, फ्लैट ओपनिंग ही लग रहा है। यस फ्लैट ओपनिंग ही लग रहा है। यस रिलायंस, यस बाय रिलायंस। ये देखो यहाँ पे रिलायंस में मुझे लग रहा है 2,500 तक रैली हो जाएगा, 2,500 तक दिख रहा है ये निकल जाएगा, इसने हायर लो बनाया है एंड हायर चांसेस है, मुझे लग रहा है कि ये अभी बाइंग आया है, इसमें निकल जाएगा ये इजीली 2,500 2,600 तक वापस आ सकता है ये लेवल तक। ठीक है हाँ, फ्लैट है, फ्लैट है मार्केट, फ्लैट है। 1 बजे से मार्केट 17,300 पकड़ के रखा है। Have you observed this? 1 बजे से मार्केट 17,300 पकड़ के रखा है, बस उसी लेवल के आसपास है। ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड, ठीक है एक मिनट का मैसेज कर रहा हूं। ये 0.01 में आईसीएल ऑर्गेनिक क्यों रहा?
BA0. मैंने मैसेज क्या, देखो मैसेज मिला है क्या, चेक करो, चेक करो मैसेज मिला सर, पीवी मूर्ति सर दिया चेक कर लो मैसेज मिला होगा। यस चेक कर लो मैसेज मिला होगा। निफ्टी मुझे फ्लैट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, absolutely flat. ये देखो ना यहाँ पे पूरा फ्लैट ही हो गया, पूरा फ्लैट हो गया। यस मिस्टर दिव्य निवार, आर यू वॉचिंग द प्राइस? मिस्टर दिव्य निवार प्राइस देख रहे हो ना, यस और नो? मिस्टर देवे निवार प्राइस देख रहे हो ना? यस। निफ्टी भी देखो क्लोजिंग बेसिस पे बाय आ जाएगा, निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे बाय आ जाएगा, निफ्टी लग रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे आ जाएगा लग रहा है भाई। ये वापस डे आई के आसपास ही जा रहा है, डे आई के आसपास जा रहा है वापस। डे आई कितना बना है इसने? 365 का है बनाने के निफ्टी में 1400। ठीक है ठीक है, डे हाई 315 का है बना, ठीक है। फ्लैट मार्केट है, एकदम फ्लैट मार्केट है। यस इसका प्राइस देख रहे हो ना, स्प्रेड बना लो तो भी चलेगा रिलायंस में। यस 2500 का कॉल सेल करके स्प्रेड बना लो, बुल कॉल स्प्रेड चलेगा, बुल कॉल स्प्रेड बना लोगे तो भी चलेगा। ठीक है आरती पाटिल, मैं आपको थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। मार्केट तो उसी लेवल के आसपास प्लस माइनस हो रहा है, 10 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट माइनस। ओके अटक गया मार्केट, एकदम साइडवेज हो गया, अटक गया पूरा। नहीं मैंने मैसेज कर दिया, बस वही ट्रेड लेना और कुछ कैरी में और कुछ नहीं लेके जाना, जो मैंने मैसेज किया बस वही ले, और कुछ ट्रेड नया फ्रेश लेके नहीं जाना। भारतीय ऑटो कंपनी का रिसर्च, ऑटो कंपनी पे असर। यू
भारत फोर चल रहा है ऑटो में, भारत फोर चल रहा है। एक मिनट है टेमो, एक मिनट रुको। चार सौ का एसेट मेंटेन रखो उस दिवे ने बाद, 400 का एसेट मेंटेन रखो इसमें, 400 का सैली अभी भी सैली है भाई, नहीं सैली है, 400 का एसेट मेंटेन रखो इसमें। बैंक निफ्टी अच्छा क्लोज हो रहा है, यस बैंक निफ्टी काफी अच्छा क्लोज हो रहा है, बहुत अच्छा क्लोज हो रहा है बैंक निफ्टी। तीन बज के सात मिनट प्रीमियम डिले नहीं हो रहा है, यस प्रीमियम डिले ठीक ठाक डिले नहीं हो रहा है। नहीं कुछ भी ऑप्शन बाइंग मत लेके जाना, फ्लैट ओपनिंग लग रहा है, व्यापक गैप डाउन नहीं लग रहा मुझे, फ्लैट ओपनिंग ही लग रहा है, कुछ भी ऑप्शन बाइंग लेके मत जाना, ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड नहीं है अभी, मार्केट एकदम एकदम ही ये देखो ना एकदम ही मतलब अटक गया 17300 पे, इसको टाइम लगेगा 17300 से ऊपर नीचे करने के लिए, इसको टाइम लगेगा, एक्चुअली टाइम लगेगा इसको। ऑप्शंस बाइंग का कुछ भी मत लेके जाना वरना फंस जाओगे। मिस्टर कीर्ति जोशी आर यू देयर, कितना लिया ये, कितना लिया मिस्टर कीर्ति जोशी? हाँ रिलायंस वाला लेके जा सकते हैं, यस रिलायंस वगैरह वो सब लेके जा सकते हैं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने मैसेज किया वो लेके जा सकते। ऑप्शंस बाइंग मतलब मैं जो बोल रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग मत लेके जाना वो बोल रहा हूँ। इनबिल्ट माइक है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस कैरी नहीं लेके जाना है, मतलब सेल वाला चलेगा जो राइटिंग वाला ट्रेड दिया, बाइंग में कुछ नहीं लेके जाना, बाइंग में सिर्फ रिलायंस है और जो मैंने मैसेज किया बस वही ट्रेड है। एसबीआई देख लो, सिर्फ एसबीआई, इट वॉज अ वेरी परफेक्ट ट्रेड, प्लीज रिप्लाई, बहुत अच्छा ट्रेड था क्या एसबीआई का आज, यस और नो? सर मनीष जमरे,
मिस्टर अभिषेक, एसबीआई का बहुत अच्छा ट्रेड था क्या? मॉर्निंग में ही बोल दिया था, हीरो है आज का, यस और नो? आज का हीरो है ये, याद है ना, ये वर्ड यूज किया था मैंने क्लियरली, देख लो बहुत अच्छा पैसा आया होगा इंट्राडे। किसने किसने ट्रेड किया? एनीवन टेकन अ ट्रेड? ये देख लो यहाँ पे, याद होगा मैंने लिए ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाया था आपको, अगर आपको याद है। टाटा कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में ही थोड़ा है, और नहीं मुझे गैप अप गैप डाउन नहीं लग रहा है एसबीआई में, गैप अप नहीं 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 लग रहा है। हो गया मूवमेंट इंट्राडे, हो गया, स्क्वायर ऑफ कर दो, इंट्राडे पैसा आ गया, स्क्वायर ऑफ कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो, इंट्राडे पैसा आ चुका है। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कल सुबह मिलते हैं 9:30 बजे। हाँ व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, बिकॉज क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस में ट्रेड ट्रिगर हो सकता है, ठीक है, कॉमोडिटीज का भी, तो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, और कल सुबह मिलेंगे सेम 9:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है? यस, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना। ओके, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं मॉर्निंग वेबिनार में।